रात को 10 बजे मुझे मेरे फ्रेंड का फोन आता है कि नासिक कैंपिंग के लिए आएगा, और फिर नेकी कर पूछ कुछ। बारिश के मौसम का मजा लूटने मैं पैकिंग करके चला नासिक। सुबह निकला तभी बहुत बारिश थी, मुझे लगा ऐसे ही कंटिन्यू होगी, बट बाद में मौसम काफी खुल गया और ऐसे मौसम में ड्राइव करना इज नेक्स्ट लेवल। ओह माय गॉड, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है सामने जो गाड़ी जा रही है वो डिसअपीयर हो रही है। सुबह के 9 बजे मैं पहुंच गया नासिक और फिर हम चले गए साधना मिसल खाने, जो है नासिक की बहुत फेमस मिसल। वहां पे जाते ही मेरे लिए कल्चरल शॉक था, इतने सारे लोग मिसल खाने आए थे। फिर हम घर पे आते, पैकिंग कर दे, सारा सामान गाड़ी में डाल दे और आनंद की गाड़ी लेके हम चलते हैं कैंपिंग के लिए। हम पहुंचे तभी मौसम काफ़ी खुल गया था। आनंद का और एक फ्रेंड आया था सोनू, जिसके साथ मिलके हमने कुकिंग स्टार्ट की। हमारे टीम में और एक जन ज्वाइन होने वाला था और वो थी हमारी स्पेशल बिल्ली। खाना ख़त्म होते ही हमने बारबेक्यू चालू किया और फिर टेस्टी खाने का स्वाद लेते हुए हमने पेट भर खाना खाया। शाम को हमारा मन हुआ थोड़ा टहलने के लिए निकलने का, और फिर क्या था, जैसे निकले पीछे ले आओ, देखो हमारे एक्साइटमेंट की कोई सीमा नहीं थी। हम ऐसे निकल रहे थे लेपर्ड को स्पॉट करने के लिए। 3 घंटे बाद थके भागे घर पे आए, यानी कि हमारे कैंप में आए, हमने चाय बनाया और चाय पी के हम लोग सोने चले गए। हमें नहीं पता था कि रात को हमें सोने नहीं मिलेगा, कीड़े और मच्छरों ने हमें सोने नहीं दिया और हम 2:30 को रात को कैंप से निकल गए टूवर्ड्स नासिक। चलो बाय बाय, मज़ा आ गया। 5:45 हो रहा है, अभी निकलता हूँ, चलो। एंड ये था हमारा शॉर्ट एंड स्वीट मुंबई टू नासिक का ट्रिप।